हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल पीपल। और आज के हमारे इस लाइव वेबिनार के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर, मेरे साथ एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, श्लम्बर्जर के एमडी जीरोज तारिक साहब मेरे साथ हैं। आज बहुत सारे इनसे सवाल करने हैं, बिकॉज मेरे इनबॉक्स में पाकिस्तानी और इंडियन इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा मैसेजिंग होती है भाई, ऑयल एंड गैस। और आज ये कट्ठा चट्ठा खोलते हैं भाई, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर क्या है, क्यों इतने लोग मरे जा रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी थैंक यू वेरी मच। जस्ट कपल ऑफ क्विक करेक्शन, द कंपनी नाउ श्लम्बर्जर इज नाउ नोन एज SLV, सो वी जस्ट वांट टू मेक दैट डिस्क्लेमर इन द बिगिनिंग। और दूसरा, यू कैन कॉल मी जोरो बिकॉज आई नो द नेम जोरेज इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर मेनी पीपल, सो एग्जैक्टली आई एम फाइन विद एग्जैक्टली जोरो एज वेल, नो इश्यू। ओके सर, बताएं मुझे श्लम्बर्जर के बारे में, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने ऑयल एंड गैस फील्ड के ख्वाब देखे होते हैं, तो क्या आपने भी इस तरह का कोई ख्वाब देखा था कि मैं एक दिन ऑयल एंड गैस फील्ड की बहुत बड़ी कंपनी का एक इस लेवल पे पहुंचूंगा, क्या आपने सोचा था पढ़ते हुए यूईटी के अंदर जब थे आप। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें इस तरह का तो कोई ध्यान में ख्याल नहीं था। और उस वक्त जब मैंने ग्रेजुएट किया था 1998 में यूईटी से, तो उस जमाने में तो आप बेसिकली मेरिट बेस्ड इंजीनियरिंग आपको अलॉट होती थी, FSC में नंबर अच्छे थे, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल का मेरिट बन चुका था। बिटवीन यू एंड मी, मुझे इंजीनियरिंग का भी इतना खास शौक नहीं था, लेकिन उस जमाने में चूंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थी, तो चोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जो ऑप्शंस हमारे सामने उस वक्त होती थी, उसमें दो तीन ऑप्शंस थी जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज की होती थी, जिनमें से एक श्लम्बर्जर था। और श्लम्बर्जर वॉज नोन टू बी अ वेरी गुड एम्प्लॉयर, के इनकी जो है ओवरऑल फाइनेंशियल पर्क्स भी अच्छे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान से बाहर काम करने का अच्छा मौका मिलता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने श्लम्बर्जर में अप्लाई किया था। लेकिन डेफिनेटली जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था या जब मैं ग्रो कर रहा था, उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि ऑयल एंड गैस का भी कोई एक करियर पास हो सकता है। तो आई वुड जस्ट कॉल इट स्ट्रोक ऑफ लक कि उस वक्त बेसिकली इंजीनियरिंग के बाद जो तीन चार कंपनीज मैंने अप्लाई किया, उसमें ICI थी, एक दो लोकल कंपनीज थी और इसी तरीके से श्लम्बर्जर भी थी। और फिर आई वेंट थ्रू देयर हायरिंग प्रोसेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह गॉट हायर्ड, सो इट्स रेस्ट इज डेस्टिनी बेसिकली। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, मुझे यानी कि मैं भी ऑयल एंड गैस फील्ड से हूं और श्लम्बर्जर एक इश्क, मैं जो अपने अल्फाज में कहता हूं, जिसको ब्लू कवराल से इश्क हो गया उसको पता है, लेकिन बहुत सारे इस टाइम हमें जो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे उनके माइंड में मैं ये वैक्यूम फिल करना चाहता हूँ कि श्लम्बर्जर, आप बताएं, आप इसके एक अच्छी पोजीशन पे काम करें, कितनी बड़ी कंपनी है श्लम्बर्जर। देखिए, श्लम्बर्जर जो है, अब जाहिर है ऑयल एंड गैस की मार्केट एनवायरनमेंट ऐसी है कि जो के ऊपर नीचे होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन एट इट्स पीक श्लम्बर्जर जो था अभी और रिसेंटली एज वेल, इसके मोर देन 100,000 एम्प्लॉयज हैं। सो 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज हैं श्लम्बर्जर के। ये तकरीबन दुनिया के हर उस मुल्क में ऑपरेट कर रही है जहां पे किसी भी किस्म का ऑयल एंड गैस का कोई प्रोस्पेक्ट अवेलेबल हो। और बेसिकली दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, 27 बिलियन से ऊपर इसका रेवेन्यू है। सो इट्स अ ह्यूज कंपनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसके जियोग्राफिकल स्पैन से भी और फाइनेंशियली भी, लेकिन मोर देन दैट एज वेल आई थिंक बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो कि ये प्राइड ले सकती हैं कि उनको फाउंड हुए हुए, उनको बने हुए 100 साल होने वाले हैं। और इंशाल्लाह यू नो 3 साल के बाद 2026 में श्लम्बर्जर को एसेंशली बने हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे, जो कि बेसिकली एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कंपनी के लिए कि उसने एक पूरी सेंचुरी गुजार ली है एज अ कंपनी विच इज ग्रोइंग एज वेल। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक और चीज जो अक्सर बेशतर, यानी कि अभी अभी आप एडीपैक से भी होके आए हैं, मैं आपकी तस्वीरें आपको फॉलो करता रहता हूँ, ठीक है, तो एडीपैक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपने ये बताना है, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ सर के साथ, तो आइडिया नहीं होता कि कंपनी की एक्चुअली जो बेसिक चीज होती है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमें, मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया यहाँ पे भी, तो श्लम्बर्जर बेसिकली ऑयल फील्ड में जो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताएं क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन आप एक समराइज करके बता सकते हैं। ठीक है, देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जो ऑयल एंड गैस का फील्ड है वो एक ट्रांजिशन में से गुजर रहा है। और अगर आपने एडीपैक में, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी देयर एज वेल, एडीपैक में अगर आपने देखा हो तो जो उस एडीपैक की थीम भी इस दफा जो थी वो एनर्जी ट्रांजिशन से मुतालिक थी, कि क्योंकि सोलर भी आ रहा है, विंड भी आ रहा है, एक जनरल अवेयरनेस भी है लोगों में कि अब हमें एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो श्लम्बर्जर भी बेसिकली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन।
तो हमारी जो करंट सर्विसेज हैं उनको हम तीन हिस्सों में बेसिकली डिवाइड करते हैं। जो पहली हिस्सा है उसको हम कोर कहते हैं, जो कि हमारी वो ऑयल एंड गैस सर्विसेज हैं जिसके बारे में मोस्ट प्रोबली आप भी जानते होंगे और बाकी दुनिया भी जानती है, जिसमें हम लोग अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं कि उनके जो ऑयल एंड गैस के रिजर्वॉयर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, फिर हम उनको हेल्प करते हैं कि उनको सेफली ड्रिल करें, और फिर उनको हेल्प करते हैं कि उसको सेफली प्रोड्यूस करें और उसको बढ़ाएं। ये हमारा कोर बिजनेस है जो कि अभी भी हमारा मेन बिजनेस है। उसके बाद जो सेकंड हमारा टीयर है जिसको हम लोगों ने रिसेंटली ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो डिजिटल है। जिस तरह से हम अच्छा लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि नहीं बेसिकली थी आप एक सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा लोगों को एक टाइम के ऊपर एंगेज कर सके, अब है। इसी तरीके से अब आप अपनी गाड़ियों को डिजिटली कंट्रोल कर रहे हैं, अपने घर को डिजिटली कंट्रोल कर रहे हैं। डेटा इज बिकमिंग द न्यू किंग, मतलब बेसिकली इस एग्जैक्टली वक्त जो आपकी कंपनी के डिसीजन हैं वो डेटा एनालिटिक्स पे हो रहे हैं। तो डिजिटल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग डील, और आई थिंक द टाइम इज राइट राइट नाउ फॉर आवर इंडस्ट्री टू एम्ब्रेस डिजिटल। तो ये सेकेंड हमारा पोर्टफोलियो है SLV का, जो कि हम जिसपे फोकस कर रहे हैं। एंड द थर्ड पोर्टफोलियो वी आर कॉलिंग इट द न्यू एनर्जी, विच इज बेसिकली कि हम लोग रिस्पॉन्सिबली किस तरह ट्रांजिशन कर सकते हैं ऑयल एंड गैस में रहते हुए रिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रो करने की, और उसके बाद कुछ ऐसी एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाने की जो कि हमारे ओरिजिनल कोर बिजनेस से करीब तरीन है। मतलब आई वुड नॉट से कि शंबरजे विल गो इनटू और SLV विल गो इनटू सोलर और विंड, लेकिन जियो थर्मल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ये वो चीजें हैं जो कि SLV के कोर बिजनेस से भी लिंक करती हैं। तो हम लोग अब उस तरफ भी ट्रांजिशन करने की ओके कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज दीज थ्री पोर्टफोलियोज, कोर, डिजिटल एंड न्यू एनर्जी। ओके दैट्स वंडरफुल। अच्छा जी, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऑयल एंड गैस आपके बारे में भी थोड़ा सा हावनों हो गई है, लेकिन अब थोड़ा सा अपने मतलब की तरफ आते हैं। बहुत सारे जो लोगों का एक ख्वाहिश होती है, हायरिंग का क्या तरीका कार है सर? क्या कैसे हायर करती हैं ये कंपनीज? तो देखिए, ये एक चीज मैं बड़ी जरूरी कहना चाहूंगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस अपने हायरिंग के दौरान भी हुआ था कि एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो जाहिर अकाउंट करती है, क्योंकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से एक सर्टन GPA आप लेंगे तो आप वो पैरा फिल्टर पास करते हैं जिसके बाद लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि ये डेफिनेटली आपका GPA और आपकी यूनिवर्सिटी काउंट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, वो फर्स्ट फिल्टर वही होता है। उसके बाद जब आपने वो फर्स्ट फिल्टर क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद जो कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं SLV इंक्लूडेड, ये बेसिकली पर्सनैलिटी हायर कर रही हैं, पर्सन हायर नहीं कर रही होती। तो ये चीज बहुत जरूरी है जहन में रखना, क्योंकि टेक्निकल ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, हम बेसिकली एक टेक्नोलॉजी से कम। मेरा फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑयल एंड गैस के बारे में मैंने कभी आने का सोचा नहीं था, लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कंट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ऑयल एंड गैस कंपनी में। वो जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, वो कंपनी सिखा सकती है। जो कंपनी नहीं सिखा सकती वो ये एटीट्यूड नहीं सिखा सकती, वो पॉजिटिविटीज नहीं सिखा सकती, वो प्रेशर मैनेजमेंट नहीं सिखा सकती, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक दे सकती है लेकिन पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकती, टीम वर्किंग के बारे में, कलेबोरेशन के बारे में। तो बेसिकली जो ओवरऑल हायरिंग पैकेज जब हमारा हम उसको देखते हैं, तो फर्स्ट फिल्टर आपका GPA आ जाता है कि ठीक है, आपका मिनिमम GPA अच्छी यूनिवर्सिटी से एक होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की हायरिंग प्रोसेस को देखें, वो 3-4 दिन का प्रोसेस है। उस 3-4 दिन के प्रोसेस के अंदर बेसिकली आपके एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, आपके IQ टेस्ट भी होते हैं। उसमें जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जब मेरी हायरिंग हो रही थी, तो मुझे एक टूल की तस्वीर दिखाया, कहा गया कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि आप ये टूल क्या करता है। अब मुझे उस टूल के बारे में कुछ इल्म नहीं था, कंपनी ये नहीं जानना चाहती कि आपको उस टूल के बारे में पता है कि नहीं पता, कंपनी ये जानना चाहती है कि आप एक अननोन सब्जेक्ट के ऊपर क्या खड़े होकर ऑडियंस के सामने एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमें ये कहा गया कि आपने आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देनी है, जिस जो ऐसे सब्जेक्ट पे देनी है जिसका ताल्लुक ना इंजीनियरिंग से हो, ना आपकी एजुकेशन से हो, ना आपकी फैमिली से हो, बिल्कुल एक एलियन सब्जेक्ट पे खड़े होकर आपने आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देनी है और लोगों से आंसर्स भी लेने हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये बेसिकली जज करने में हेल्प करती हैं कि जो इंडिविजुअल हम हायर कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कॉन्फिडेंट कितना है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, टीम वर्किंग कैसी है, कलेबोरेशन कैसी है, बिकॉज ये चीजें जरूरी हैं, बाकी चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो ये बेसिकली कंपनी देखती है। और बाकी जहां तक SLV के हायरिंग का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हम लोगों ने पिछले, हम मतलब आई प्राउडली से कि जो पहला हमारे पास वायरलिंग लॉग है पाकिस्तान में, जो कि शंबरजे ने खुद वायरलिंग लॉग पाकिस्तान में किया, वो सितंबर 1949 का है। तो विच बेसिकली मीन्स के वी प्राउडली से कि वी आर इन पाकिस्तान सिंस पाकिस्तान, बिकॉज हम 70 साल से ऊपर इस मुल्क में हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों ने बहुत से इंजीनियर्स भी हायर किए हैं, सुपरवाइजर भी हायर किए हैं,
एसएलबी का ये प्रिंसिपल है कि जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे होंगे वहां से वो हायरिंग जरूर करेंगे। उसकी जो परसेंटेज होती है लोगों के हायर होने की, वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और जाहिर है कि कई फॉर एग्जाम्पल ममालिक हैं इस वक्त मशरक वस्ता में जहाँ पे अरबी बोलना एक एडेड एडवांटेज है, इसी तरीके से साउथ अमेरिका कई ममालिक हैं जहाँ पे स्पेनिश बोलना एक एडेड एडवांटेज है, तो वो चीजें भी देखी जाती हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली होती है और इसीलिए तकरीबन हर नेशनैलिटी के लोग जो है वो आपको एसएलबी में नजर आते हैं। ओके दैट्स वंडरफुल सर। सर मैं अब इस तरफ आना चाहूंगा कि आजकल की यूथ्स जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ चुके हैं और वो यूथ को कुछ इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि भाई डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि डिग्री के ऊपर आपने थोड़ा बताना है कि ये असल बात क्या है, क्योंकि आप बता सकते हैं आप राइट कैंडिडेट और राइट पर्सन हैं जो इस चीज के ऊपर मेरा ख्याल है जिसकी जिनके व्यूज को हम अहमियत देंगे, ठीक है। और स्किल्स और डिग्री के अंदर क्या फर्क है, पहले आप बताएं डिग्री जरूरी है या नहीं। देखिए मेरी नजर में जो है ना दो चीजें, मैं और ये मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ और आई थिंक जो मेरे साथ यहाँ पे मेंटर एज अ मेंटर व्हेन आई एक्ट इन द कंपनी, मैं यही कहता हूँ कि एक चीज बहुत जरूरी है कि नेवर क्लोज अ डोर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना कोई ऐसी डायरेक्शन अर्ली अपने करियर में ना लें जिसमें आप एक डोर मुकम्मल क्लोज कर दें और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाए। यू ऑलवेज हैव टू कीप द डोर ऑप्शन। आपके पास बेसिकली ऑप्शंस भी ओपन होने चाहिए, चॉइसेस भी ओपन होनी चाहिए। अब डिग्री जो है ये एक आपकी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपने एक कमरे में दाखिल होना है तो उसके लिए आपको चाबी चाहिए है, उसके बगैर आप वो दरवाजा नहीं खोल सकते। ठीक है, क्या डिग्री आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी? मेरा ओपिनियन भी ये है कि नहीं हेल्प करेगी। क्या डिग्री आप, अनलेस कि आप एक टेक्निकल फील्ड में हैं, आप पीएचडी कर लेते हैं और आप रिसर्च में चले जाते हैं, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन जो मेजोरिटी कंपनीज हैं उसमें होता क्या है कि आप हायर होते हैं एज एन इंजीनियर, 3 4 साल के बाद, मैक्सिमम 5 6 साल के बाद आप बेसिकली एक मैनेजमेंट रोल में आ जाते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट रोल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था कि माशाल्लाह आप भी वो पीएमपी की तरफ भी लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं, प्रिमावेरा पे भी कराते हैं, यू नो। तो आप एक लेवल के बाद आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल शुरू हो जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है कि आपने टाइम, कॉस्ट और लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, ये 3 चीजें मैनेज करने के लिए आपको स्किल चाहिए है, आपको पीपल स्किल चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शख्स किस तरह की जॉब के लिए मुनासिब है, कौन लीड कर सकता है, कौन लीड हो सकता है, कौन टीम प्लेयर है, कौन टीम प्लेयर नहीं है, ये आपको मिक्सिंग बनाना पड़ता है। अगर हम 5 बंदों की टीम बनाए और पांचों के पांचों लीडर हों तो वो टीम कहीं नहीं जाएगी। नहीं इसी चलेगी। तरह अगर हम 5 बंदों की टीम बनाए और पांचों के पांचों फॉलोअर हों तो वो टीम भी कहीं नहीं जाएगी। कुछ लोग जो होते हैं वो खुल के बात करते हैं, कुछ लोग खुल के बात नहीं करते हैं। ये चीज आपको डेफिनेटली स्किल आपको लर्न करनी पड़ेगी कि मैं लोगों को किस तरीके से मैनेज करूं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, इसी तरीके से चाहे आप बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, ये स्किल्स हैं। ठीक है, तो डिग्री आपका डोर ओपन करेगी, उसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है वो आपकी स्किल से आएगी और वो जो स्किल्स हैं वो आपकी टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती हैं और वो आपकी नॉन टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती हैं, जो कि मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, टाइम स्किल्स होती हैं, पीपल स्किल्स होती हैं। तो ये स्किल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द डिग्री वंस यू आर इनटू द गेम। ठीक है, लेकिन वो बात हुई है ना कि आप अगर बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं तो आप कमेंट्री कर सकते हैं, खेल नहीं सकते। खेलने के लिए यू हैव टू बी इनसाइड द ग्राउंड और इनसाइड द ग्राउंड जाने का टिकट जो होता है वो अक्सर जॉब्स में डिग्री होता है, एंड दैट इज व्हाई द डिग्री बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकेंडली मैं एक अगर इसमें ऐड कर सकूं कि देखें, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैंने आज तक शायद अपने पहले 2 साल के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज सच यूज नहीं की, लेकिन इंजीनियरिंग आपको सिखाती क्या है? इंजीनियरिंग आपको ये सिखाती है कि एक प्रॉब्लम आपके सामने आया है, उसको प्रॉब्लम को आपने टुकड़ों में कैसे डिवाइड करना है, फिर उस ईच टुकड़े का आपने रूट कॉज एनालिसिस करके ये कैसे डिसाइड करना है कि इसको मैंने, इस प्रॉब्लम को मैंने ट्रबल शूट कैसे करना है और उसका मैंने सोल्यूशन निकालना है। इंजीनियरिंग बेसिकली आपको एक प्रोसेस सिखाती है, एक माइंडसेट सिखाती है कि मैं उसको एनालिटिकली एक प्रॉब्लम को सोच सकूं, और वो बेसिकली कंपनी ढूंढ रही है। इन द एंड ऑफ द डे अगर आप एक इंजीनियर माइंडसेट के साथ एक एक आप एचआर की या ह्यूमन रिसोर्स कंपनी में भी जाएंगे तो आप प्रॉब्लम से डिफरेंट तरीके से डील करेंगे बनिस्बत एक नॉन इंजीनियर की, क्योंकि आपका माइंडसेट इस होगा कि मैंने प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना। ठीक है, तो वो चीज जो है वो आई थिंक स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि डिग्री इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द शो, बट टू कैरी ऑन द शो एंड टू ग्रो इन द शो आपको स्किल्स चाहिए हैं, और वो स्किल्स आपको 3 4 किस्म के चाहिए हैं, टेक्निकल,
एचआर यानी पर्सनल रिलेटेड एंड देन मैनेजमेंट रिलेटेड, ये तीन चार स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन मैं अपने हर गेस्ट के सामने रखता हूँ कि डिग्री एंड स्किल्स, तो मैं यहाँ पे वीडियो में भी ऐड करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जब पढ़ रहे होंगे तो आपके बहुत सारे क्लास फेलोज भी होंगे, आपका उनके साथ ताल्लुक भी होगा, तो एक डिग्री इस चीज की भी वजह बनती है कि आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, वहां पे डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, वहां से बहुत कुछ सीखते हो, तो डिग्री इज सो इम्पोर्टेंट ये के आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में 4 की जगह 5 साल लगाए, उस जमाने में यूटी में थोड़े से मसले मसाइल चल रहे होते थे, क्योंकि आपने लेकिन एमडी मुझे बनना बी था। ऑनेस्ट ये और दूसरा ये था कि वो, लेकिन मुझे रिपेंटेंस नहीं है। क्यों रिपेंटेंस नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, क्योंकि यूईटी जो लाहौर थी वो एक, हम उसको मिनी पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि आपके पास हर किस्म के लोग सॉरी वहां पे होते थे, और जो हर शख्स है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से भी आया होता था, और उनके पास डिफरेंट बैकग्राउंड की सोच भी होती थी। मैं डिबेटिंग सोसाइटी में था, और मैं सबको वाओ ये कहता हूं कि मोस्ट प्रॉबली मुझे यूईटी ने एनेबल किया है कंपनी में घुसने के लिए, लेकिन मोस्ट प्रॉबली डिबेटिंग सोसाइटी हैज प्लेड अ बिगर रोल इन माई ग्रोथ। क्योंकि एक जब आप घुस जाते हैं उसके बाद, देखिए सोल्यूशन 10 लोगों के पास है, लेकिन उनमें से कौन उस सोल्यूशन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और सेल कर सकता है, ये स्किल जिसके पास होगी वो बंदा सुना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए, अपने सोल्यूशन को सेल करना आना चाहिए, अपनी टीम को सेल करना आना चाहिए। तो ये चीजें डिबेटिंग आपको बहुत सिखाती है। तो एग्जैक्टली बेसिकली उसलिए मेरा ख्याल है कि इट इज वन ऑफ द स्किल्स कि आपको आपने प्रेजेंट कैसे करना है। सर, एब्सोल्युटली लकीली आई वाज आल्सो डिबेटर व्हेन आई वाज इन यूजी, एंड अब दो डिबेटर बैठ के बात कर रहे हैं, ये शायद इसके पीछे डिबेट ही है, बट आई वाज लाइक ह्यूमनिस्ट डिबेटर, लेकिन किसी तरह की भी डिबेट हो मजा आता है। वो ऑब्वियसली बिल्कुल आई मजा वाज आता थिंकिंग ऑल द टाइम के कौन सी चीज है जो पुश करती है इस तरह सोशली एक रोल प्ले करने के लिए, कि लोगों को कैरियर के बारे में बताया जाए, मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए, तो ऑब्वियसली आई गॉट द आंसर के आप भी डिबेटर हैं, मैं भी डिबेटर हूं, तो है। डिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, पब्लिक स्पीकिंग किस तरह से कम्युनिकेट करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन अब ये है कि जब भी आप लोगों का जॉब इंटरव्यू करते होंगे, बहुत सारे लोगों को जॉब इंटरव्यू किया होगा, थोड़ा सा प्रोसेस बताएं कि जो लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हो, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में होंगी, यार फलां बंदा आया था, उसकी ड्रेसिंग ऐसी होती है, उसका बोलने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे होता है, मतलब कुछ होती है ना चीजें, तो गाइडलाइन के तौर पे बताएं कि किस तरह से एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो इंटरव्यू में नजर आ जाता है। नर्वस हर बंदा होता है, एवरीबडी इज नर्वस। सेकेंडली, आई वुड रेकमेंड कि आप जिस कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में कुछ पढ़ के जाएं। आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद आपको, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब बेसिकली देखें, जो आपसे इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपसे 20-30 साल ज्यादा सीनियर इस सिलसिले में रह चुके हैं। उनमें से अक्सर एचआर मैनेजर्स हैं जो कि डेली 30-40 लोगों को डील करते हैं, डिफरेंट इश्यूज को डील करते हैं। लेकिन रीड थ्रू, अगर आप एक स्टोरी ऐसी सुना रहे हैं जो कि नहीं है ट्रू, तो वो लेकिन रीड थ्रू है। ठीक है, तो बेसिकली बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट, बी शॉर्ट इन योर आंसर्स, बी क्रिस्प इन योर आंसर्स। यू हैव टू शो केस योर अचीवमेंट्स कि मैंने एज अ टीम क्या किया है, मैं किन चीजों में लीड कर चुका हूं। आपने ये भी शो करना है कि मैं कंपनी के बारे में जान के, कि आप उस कंपनी को क्या वैल्यू दे सकते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैं एक आईटी की कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूं, तो मुझे कम अज कम ये एक जहन में, मेरे एक माइंड में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आप आईटी कंपनी में आ रहे हैं, व्हाट विल यू ब्रिंग टू द कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू हैव द आंसर टू दोस सच सच क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द डे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका द वे यू स्पीक एज वेल, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत काउंट करती है। जो आपको टफ क्वेश्चंस मिलते हैं, जरूरी नहीं है हर एक का जवाब आपके पास हो, लेकिन अगर आप उसमें जवाब देते हुए ये ख्याल फॉर एग्जाम्पल रखते हैं कि जी ठीक है, आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन बट आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू फॉर एग्जाम्पल, ये बेसिकली जो स्किल्स होती हैं ये नोट की जाती हैं। एक चीज मैं यहाँ ये जरूर बता दूं, बिकॉज सर आप भी डिबेटर हो, एक चीज ये लोग जरूर मुझसे कई दफा पूछते हैं कि जी अगर मैं डिबेटर नहीं हूं, अगर मैं सोशल नहीं हूं, अगर मैं इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं, जिस तरह कई हर बंदा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, बेसिकली कई लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बेसिकली दे लाइक टू स्टे विद इन देमसेल्व्स,
तो क्या मल्टीनेशनल कंपनीज उनको हायर नहीं करेंगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली दे विल। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसे हमारे रोल्स हैं कंपनी के जिसमें आपको सोशल स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, जिसमें आप कस्टमर फेसिंग रोल पे हैं, या जैसा मेरा करंट रोल। लेकिन कई हमारे ऐसे रोल्स हैं जो कि कस्टमर फेसिंग नहीं है, वो इंटरनल रोल्स भी हैं। फिर उसमें कई रोल्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी होती है, 3 साल की, 5 साल की, 4 साल की, नई कंपनी की। उन चीजों के लिए आपको लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म विजन रखते हों, जो बेसिकली इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हों, ऐसे लोग जो कि सिक्वेंशली प्रॉब्लम को मैनेज करें, ना कि 10 प्रॉब्लम इकट्ठी मैनेज कर रहे हो। तो हर पर्सनैलिटी का हर कंपनी में फिट होती है, और बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप सोशल नहीं है तो आप ग्रो नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। मैं एग्जाम्पल आपको ही देता हूँ कि हमारी अपनी कंपनी में जो दो पिछले से पिछले जो हमारे थे सीईओ, ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वॉज सीईओ, और कंपनी के अंदर से ग्रो किया उन्होंने, वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बेसिकली वो कंपनी के सीईओ बने। उसके बाद जो हमारे सीईओ आए, ही वॉज अ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अब जो हमारे आजकल सीईओ हैं, ये प्योरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ही हैज ऑलवेज बीन इन रिसर्च, टिपिकल टेक्निकल जो बैकग्राउंड होता है इंजीनियरिंग का। तो 3 डिफरेंट सीईओज विथ 3 डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल रीच टू द सीईओ लेवल। सो पर्सनैलिटी बैकग्राउंड कोई भी हो, वो ग्रो कर सकता है, एज लॉन्ग एज आप बाकी जो स्किल्स जो मैंने पहले डिफाइन की थी वो जरूरी है कि आप उनको हॉन कर सकें, कि आप लोगों के साथ काम कर सकें और लोगों से काम ले सकें। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा एक क्वेश्चन, अगर आप किसी का जॉब इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, जो सबसे आपका फेवरेट है वो आप बताइएगा, जो आप पूछते हैं लोगों से बड़े खुश होके। दो क्वेश्चन हैं ओके जो कि मैं दो। पूछता हूं अक्सर लोगों से। एक क्वेश्चन तो पहला मेरा ये है कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ सो फार इन योर लाइफ। ठीक है, एक मेरा ये क्वेश्चन है, एंड आई उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों के जवाब आते हैं, लेकिन दैट काइंड ऑफ गिव्स मी एन आइडिया कि जो पर्सनल एक प्राइड है किसी भी शख्स की, वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में। और दूसरा, आई डू आस्क दिस क्वेश्चन कि इफ यू हैड टू गो बैक इन टाइम एंड चेंज वन थिंग इन योर लाइफ, व्हाट विल दैट बी। ओके अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इनसे मुझे जनरली एक आइडिया मिलता है। अब अगेन, दीज आर नॉट ट्रिक क्वेश्चंस बाय द वे, ये यस कोई यस इसका कोई यस फिक्स आंसर नहीं है, ना इसकी बेस के ऊपर हायरिंग या फायरिंग होती है। ये सिर्फ ये होता है कि आप पर्सनैलिटी को रिलैक्स करते हैं ताकि वो अपने बारे में पॉजिटिव भी प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, और अपने बारे में कुछ क्रिटिकल चीजें भी प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, एंड देन यू गेट टू नो द पर्सनैलिटी अ बिट बेटर। दैट इज दीज आर टू क्वेश्चंस आई डू आस्क। ओके दैट्स। अच्छा एक सवाल का जवाब, जो एक दफा मैं भी श्लम्बरजर के इंटरव्यू में था, तो ये ऑब्वियसली कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, गुड स्ट्रेंथ पॉइंट्स, वो तो सब कहते हैं हम बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन ये वीकनेस का भी पूछा जाता है ना इनिशियल के अंदर, तो उसको ये वही कैसे जिस तरह से मैंने भी स्टूडेंट। आपको कहा कि जिस तरह से मैं जब मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज चेंज कर सकें, तो इट इज बेसिकली रीफ्रेजिंग दिस क्वेश्चन कि आपके अंदर वीकनेस क्या है। ठीक है, और आई थिंक अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि आपको यस इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जाना पड़ता है। अब हर शख्स में कोई वीकनेस डेफिनेटली होती है, नोबडी इज परफेक्ट। ठीक है, अब उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के जवाब आते हैं। कुछ लोगों के जवाब ही होते हैं कि मैं देर से उठता हूँ, या मैं तैयार नहीं होता हूँ, या मैं लोगों से भी नहीं मिल पाता हूँ, मैं सोशल नहीं हूँ। मतलब मुख्तलिफ किस्म के जवाब आते हैं लोगों के। मतलब बेसिकली आई रिमेम्बर कि जब उन्होंने मुझसे ये पूछा था वीकनेस के बारे में, तो आई टोल्ड देम कि आई एम एन इम्पल्सिव डिसीजन मेकर, आई मेक डिसीजन टू क्विक। ठीक है, एंड आई बिलीव दैट इज समथिंग दैट आई शुड बी ट्रेन टू नॉट डू बेसिकली, और आई टॉक अ लॉट, आई शुड लिसन मोर। सो ये बेसिकली चीजें हैं जो कि आप ध्यान में रख के जाते हैं कि यू नो आई डू दैट। आई हैव बीन एबल टू रेक्टिफाई द फर्स्ट प्रॉब्लम, आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू रेक्टिफाई द सेकंड प्रॉब्लम बिकॉज आई एम अ डिबेटर लाइक यू। वो मुश्किल है, सुनने वाला काम जो है ओके थोड़ा सा मुश्किल से आता है। अच्छा मेरा आखिरी, आज की इस गुफ्तगू का आखिरी सवाल ये है कि लाइफ के अंदर कोई भी एक देखने वालों के लिए, सुनने वालों के साथ अगर आप कोई वाकया शेयर कर सके और लेसन लर्न के साथ, ताकि उनको कुछ सीखने का मौका मिले, कोई भी फील्ड के अंदर होता है कुछ भी, इफ यू हैव या कैरियर देखिए, मैं आपको यूनिवर्सिटी। मैं आपको ये डेफिनेटली बताऊंगा कि मेरा जो बेस्ट टाइम रहा है, और मेरा ख्याल आप किसी भी शंबर या किसी भी आप फील्ड के लोग बंदे से पूछेंगे तो वही कहेगा कि जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो बेस्ट टाइम होता है। उसमें आप बहुत से मुल्कों में घूम रहे होते हैं, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और आप सीख रहे होते हैं, आप एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास होती है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, और उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। तो उसमें मेरा जो बेस्ट पीरियड गुजरा पर्सनली, वो वेस्ट अफ्रीका में था, गेबोन में। मुझे बहुत शौक है एनिमल्स का, नेशनल ज्योग्राफिक हैज बीन माय फेवरेट चैनल फॉर एजेस।
और मैं गेबोन में जिस जगह पे पोस्टेड था वहां हम लोग सुबह को 8 बजे बोट में एक स्वाम्प में से गुजर के जाते थे, और जो रिग लगी हुई थी वो एक आइलैंड के ऊपर लगी हुई थी। और मुझे अभी भी याद है कि वो बीच में बेसिकली हमारे पास वो दरियाई घोड़े और मगरमच्छ और जराफे वगैरह हमें नजर आते थे लाइव सारा सारा दिन। और मैं लोगों को कहता था कि यार लोग जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करेंगे इस तरह का ट्रिप बुक कराने के लिए, हम लोग डेली जो है ये ट्रिप कर रहे होते हैं। आई थॉरली एंजॉयड माई स्टे इन दैट कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। तो ये चीजें जो है ये इंसान को आई थिंक सेकेंडली आई वुड डेफिनेटली से हर मोमेंट हाई मोमेंट नहीं होता। देखें आपकी जिंदगी में भी नहीं होता, आपकी एजुकेशन लाइफ में भी नहीं होता, आपके करियर में भी नहीं होगा। हाईज एंड लोज आते हैं, कुछ हाईज और लोज आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, कुछ हाईज और लोज आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। और आपको उन दोनों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जो हाईज हैं उनसे बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना जरूरी है, और वो बेनिफिट जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल, ठीक है। उसको मैक्सिमाइज करना जरूरी इस लर्निंग लिहाज पॉइंट से ऑफ कि आप उस मोमेंट पे आप लर्न मैक्सिमम कर रहे हो और आप खुश मैक्सिमम हो, ठीक है। खुश जो हैप्पीनेस आपको हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट है वो उस टाइम पे मैक्सिमम होनी चाहिए जब आपके हाई मोमेंट्स आ रहे हैं। जो लो मोमेंट्स आ रहे हैं उसमें आपको ये जरूर होना चाहिए कि आप एक कम से कम पॉजिटिविटी के साथ आगे चलें कि दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। मेरे ख्याल में जिस चीज ने मुझे हेल्प बहुत किया है वो मेरी इस एटीट्यूड ने किया है कि आई डू कंसिडर ग्लास ऑलवेज हाफ फुल। ये मेरा एक एटीट्यूड रहा है बचपन से रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है वाला एटीट्यूड। ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल एंड नॉर्मली इफ यू गो विद दैट एटीट्यूड कि थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम, एंड आप उसमें से जो पॉजिटिव चीज है उसको लेके अगर आप आगे चलें आई थिंक थिंग्स इंप्रूव अलॉट। तो मेरे नजर में यू नो माई टाइम स्पेंट इन गेबोन वॉज माई बेस्ट टाइम सो फार इस में, बिकॉज वो एक मैच हुई थी चीज जिसमें मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो मेरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट और वो जो एनवायरमेंट थी कि आप ट्रेनी हैं आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो कंबाइन हो गई थी। एज फार एज द जॉब इज कंसर्न, दिस जॉब जो कि मैं अभी कर रहा हूँ मेरे नजदीक ये मोस्ट फुलफिलिंग है जो मेरे अभी तक कैरियर की जॉब है सब में। और उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि इस जॉब में रहते हुए कुछ काम हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हम खाली कंपनी के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि मुल्क के बारे में सोच रहे होते हैं। और उसमें ये चीज मैं हर एक को बड़ा ओपनली कहता हूं कि जो मेरी पोजीशन है फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी मैनेजर यहाँ पे आते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं इस वक्त फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये पॉडकास्ट है इसके जरिए अगर मैं 5 या 6 लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ और वो आगे जाके नॉट नेसेसरली ऑयल एंड गैस में आए, वो अपनी कंपनीज में जाते हैं और वो यही मैसेज आगे 5 6 लोगों को पहुंचाते हैं, दिस इज हाउ द थिंग्स ग्रो। अभी हमने एग्जैक्टली रिसेंट फ्लड्स फ्लड्स के दौरान बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट इनफ बिकॉज फ्लड्स पे डैमेज बहुत ज्यादा है और हम मजीद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें होती हैं इस तरह के जो एक्शंस होते हैं ये बहुत सेल्फ फुलफिलिंग होते हैं कि उसमें बेसिकली आपको फीलिंग आ रही होती है कि कुछ ना कुछ हम पाकिस्तान को वापस दे पाए हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी नजर में, और ये मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मेरे वालदैन ने फॉर एग्जाम्पल मेरी टोटल एजुकेशन के ऊपर, और मैं अगर हम सारे ये कह सकते हैं मैं इंजीनियरिंग बनने तक हो सकता है मुश्किल से 10 लाख खर्च किया हो सकता है, मुझे मेरा ख्याल है 5 लाख से ऊपर नहीं किया होगा, ठीक है। बिकॉज वो इसमें आप स्कूल भी डाल लें सब डाल लें, मैं 25 रुपए 4 आने के स्कूल में पढ़ता था एफ जी स्कूल गुजरावाला में। तो जब अगर आप 3 4 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर बनते हैं और आप एक SLB या किसी भी कंपनी में आते हैं और आपकी पहली जो तनख्वाह होती है वो लेट्स से 1.5 2 लाख रुपए होती है, तो 2 महीने में बेसिकली आपको वो सारा खर्चा वापस हो जाता है जो कि आपके वालदैन ने आप पे खर्च किया है। बेसिकली आप मेरे नजदीक बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में ऐसे जो कि इस इतने कम खर्चे के ऊपर एक इंजीनियर को इस काबिल बना देते हैं कि वो जाके किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में खड़ा होके एक ऐसे इंजीनियर के मुकाबले में खड़ा होके बात कर सकता है जो कि लाखों डॉलर्स खर्च करके इंजीनियर बना होता है। और मेरे नजदीक ये पाकिस्तान का डेफिनेटली एहसान है हमारे ऊपर। एंड आई थिंक जो मर्जी हम हों, चाहे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं चाहे हम पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, ये जरूर सोचना चाहिए कि आज हम जहां पे हैं और जिस तरीके से हैं उसमें इस मुल्क का बहुत बड़ा किरदार है, और हमें मेरे ख्याल एग्जैक्टली में नो अपनी अपनी डाउट पोजीशन पे वापस देना चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, वापस बिल्कुल देना चाहिए। इस मुल्क ने हमें वाकई बहुत कुछ दिया है, वाकई बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। बहुत सारे लोग देखेंगे इंशाल्लाह, आई होप के 5 नहीं 5,000 लोग जो है ना आपकी इन बातों से इस्तेफादा हासिल करें। आई रियली अप्रिशिएट योर पैशन नॉट ओनली इन
करियर जॉब फील्ड बट ऑल्सो आउटसाइड आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से आपकी एक माइंड सेट है, आई विल ट्राई कि मैं आपको फ्यूचर में भी इस तरह के पॉडकास्ट में ले सकूं, राइट इस्लामाबाद राइट, आके आपको वहां पे लाइव कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम। ऑलवेज थैंक वेलकम यू। जी, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।